पूरी दुनिया 14 फरवरी को प्यार के दिन के रूप में सेलिब्रेट कर रही थी, वहीं दूसरी ओर हमारे देश के जवान अपने देश के प्रति अपना प्यार निभा रहे थे। नमस्कार, VCN न्यूज में आप देख रहे हैं आज की खास पेशकश, जो है देश में वीर जवानों और शहीदों के नाम। 14 फरवरी वैसे तो वैलेंटाइन दिन यानी प्यार का दिन होता है, लेकिन 2019 में भारत के हर एक नागरिक के लिए दुख और आक्रोश का दिन साबित हुआ। इस दिन यानी आज से ठीक 2 साल पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने बड़ी कायरता से CRPF के काफिले पर हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की इस कायरतापूर्ण हरकत से पूरा देश आग बबूला हो उठा था। दिन था गुरुवार, तारीख थी 14 फरवरी 2019 और पूरी दुनिया इसे वैलेंटाइन डे के रूप में मनाने में व्यस्त थी। तभी करीब दोपहर के 3:30 बजे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2500 से अधिक जवानों को लेकर 78 बसों में CRPF का काफिला गुजर रहा था। हर दिन की तरह ही उस दिन भी CRPF के वाहनों का काफिला अपनी धुन में जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षा कर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी हर दिन की तरह आवाजाही थी। CRPF का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क की दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने CRPF के काफिले के साथ चल रहे वाहन को टक्कर मार दी। जैसे ही सामने से आ रही SUV काफिले से टकराई और जब तक SRPF के जवान कुछ समझ पाते, तब तक विस्फोटों से लदी इस कार ने ऐसा धमाका किया जिससे पूरा देश दहल उठा। 14 फरवरी का दिन भारत के इतिहास में काला दिन साबित हो गया। सड़क के दूसरी तरफ से आकर आतंकी की कार ने CRPF के जवानों के काफिले में एक वाहन से टकराकर ऐसा धमाका किया जिसमें न सिर्फ जवान शहीद हुए बल्कि बस के परछक्के उड़ गए। यह हमला था या फिर कुछ और, यह बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते तब तक आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय जवानों ने भी तुरंत पोजीशन ले ली और आतंकियों पर जवाबी हमला शुरू कर दिया। CRPF जवानों के जवाबी हमला देख आतंकी वहां से भाग निकले। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयावह था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों की शेर इधर उधर बिखर पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए। चंद मिनटों में देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि तब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहे थे। इस हमले को अंजाम देने वाला आत्मघाती हमलावर आतंकी आदिल अहमद डार था। आतंकी आदिल अहमद डार ही उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोट थे। इसने खुद को इस हमले में उड़ा लिया। घटना के तुरंत बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। इस घटना ने देश को ऐसे झकझोरा कि सबके जुबान पर इस बदले की बात आ गई। सभी आतंकियों से बदले की बात कर रहे थे। मीडिया और सोशल मीडिया से सरकार पर दबाव बन रहा था। हर नागरिक, सिविल सोसाइटी और विपक्ष सरकार को आतंकवादियों और उसके आका पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कह रहा था। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान हुआ ये सबसे बड़ा हमला था। कई जगहों पर इस आत्मघाती हमले के विरोध में प्रदर्शन भी हुए। रिपोर्ट्स में बताया गया कि आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया गया वाहन महिंद्रा स्कॉर्पियो था, जिसमें 300 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक थे। घायलों को हमले की जगह से 20 किलोमीटर दूर श्रीनगर के सेना बेस अस्पताल में ले जाया गया। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी लेने के बाद उन्होंने हमलावर आदिल अहमद डार उर्फ आदिल अहमद गादी टेकरनावाला उर्फ विकास कमांडो का एक वीडियो भी जारी किया, जो काकापोरा का निवासी था, जो 1 साल पहले इस समूह से जुड़ा था। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस हमले में हाथ धोने से इनकार किया। भारत ने उसे सख्त चेतावनी दी, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को चेताया कि वह अपनी धरती पर मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करे।
अमेरिकी, फ्रांस सहित दुनिया के अधिकतर देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को शोक संदेश भेजा। हालांकि चीन ने घटना की निंदा जरूर की, लेकिन जय सरगना मसूद अजहर पर अपना रवैया नहीं बदला। भारत में इस हमले को लेकर आक्रोश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने इस बार गंभीर गलती की है। उन्होंने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को कार्रवाई की पूरी छूट दी गई है। इसी के साथ CCS की बैठक में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया कि पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया जाता है। पुलवामा हमले के बदले की योजना अटैक के दूसरे ही दिन से बननी शुरू हो गई थी। 15 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के चीफ PS धनोआ ने हमले की प्रतिक्रिया में एयर स्ट्राइक करने की योजना सरकार के सामने रख दी। उसी वक्त केंद्र सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दे दी थी। इसके बाद 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक इंडियन एयरफोर्स ने LOC के पास सर्विलेंस रखना शुरू कर दिया। एयरफोर्स के ड्रोन विमानों के जरिए इलाके में चल रहे आतंकी शिविरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी गई। एयरफोर्स के साथ देश की खुफिया एजेंसियां भी इस काम में लगी थी। 22 फरवरी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभिजीत डोभाल ने सरकार को एयर स्ट्राइक के टारगेट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेना के पास किन किन जगहों पर हमले करने का ऑप्शन है। 22 फरवरी को एयरफोर्स ने इस मिशन को सक्रिय कर दिया। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने 1 स्क्वाड्रन टाइगर्स और 7 स्क्वाड्रन बैटल एक्सेस को लगाया था। इस मिशन के लिए मेरा स्क्वाड्रन के 12 जेट को तैयार रहने का निर्देश दे दिया गया। 24 फरवरी को मिशन का ट्रायल किया गया। ट्रायल के बाद 26 फरवरी को मिशन को अंजाम देने का प्लान बना। 26 फरवरी 2019 की सुबह 3 बजे के करीब बालाकोट के आतंकी शिविर पर भारतीय फाइटर जेट ने हमला किया। पाकिस्तान को इसकी कानो-कान खबर नहीं थी। रात के अंधेरे में एयरफोर्स की फाइटर जेट ने बालाकोट के आतंकी शिविरों पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। तुम दूध मांगोगे तो खीर देंगे और देश की तरफ आंख उठाने वालों की निगाहें चीर देंगे। 14 फरवरी 2019 वो दिन था जिस दिन देश ने अपने 40 जवान खोए थे, और 26 फरवरी 2019 वो दिन जिस दिन देश ने बालाकोट के आतंकी शिविर पर हमला कर जवानों की शहादत का बदला लिया। इस एयर स्ट्राइक ने यह साबित किया कि देश यदि किसी की सुरक्षा में आगे आ सकता है तो देश पर आग उठाने वालों को उनके घर में घुसकर मार भी सकता है। देखते रहिए PCN न्यूज़।